नमो नुवे सौहरियंताणम नमो नुवे सौसुदानम नमो नुवे सौवायरियाणम नमो नुवे सौजायाणम नमो नुवे सौत्रिकावती श्रावणम ओंकारमिंदु संयुक्त नित्यं जयंती योगिन कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम गौतम मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्र मंगल नमः सुमरिस्मरा स्वानुभूत्याचास्ति स्वाय भवाय सर्वाव निरुद्ध निदाता मनीषार आखिर अधिकार है न बसे अच्छे तो अधिक कलश है न उसका भावार्थ भावार्थ माता नहीं समझ नहीं है जी जीणी बात है यहां आत्मा का निज स्वरूप ज्ञान ही कहा है। आत्मा का स्वरूप ज्ञान ही एम कहियो ने ज्ञान ज आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है। आत्मा में अनंत धर्म है किंतु उनमें कितने ही तो साधारण है अस्तित्व वस्तुत्व एवं गुणों के है ये अपने में भी है न दूसरे में भी है। तेरे गुण से आत्मा का ज्ञान हो सकते नहीं अपने में भी है पर में भी है तो ये गुण से अपना ज्ञान नहीं हो सकता। हाँ हाँ इसमें अति व्याप्ति युक्त है अपने में भी है पर में भी अस्तित्व वस्तुत्व जीणी बात है थोड़ी। हाँ एक ज्ञान स्वरूप ऐसे कहने में आता है उसका कारण क्या कि इसमें है तो अनंत धर्म इतना ऐसा धर्म है असम धर्म इतने शक्ति गुण जी अपने में भी है पर में भी है तो ये गुण द्वारा अपना का ज्ञान हो सकता नहीं। और कोई परियाश्रित है दया दान व्रत भक्ति ये कहीं आत्मा का स्वभाव नहीं ये तो पर्यायाश्रित है कायम रहने वाला नहीं। माटी इससे भी आत्मा जानने में आता नहीं जीणी बात से भाई किसी अवस्था में होते हैं संसार अवस्था में राग ने द्वेष पुण्य पाप ये संसार अवस्था में होता है और किसी अवस्था में नहीं सिद्ध अवस्था में नहीं इसने अव्याप्ति युक्त है ये आत्मा में व्यापे नहीं त्रिकाल आत्मा में रहने वाला ये नहीं। आत्मा ज्ञान स्वरूप ही कहा है उसका कारण क्या कि है तो उसमें अनंत धर्म गुण पर कितना गुण अपने में भी है पर में है तो उससे भी आत्मा जानने में आता नहीं कितनी अपनी पर्याय में भी है राग द्वेष पुण्य पाप अपनी पर्याय में भी है तो उससे भी आत्मा जानने में आता नहीं। उनसे भी आत्मा नहीं जाने में आता नहीं अहीं सुधिया में अहीं सुधियाया था तेरी सूक्ष्म है थोड़ा चेतनता यद्यपि आत्मा का अतिव्याप्ति अव्याप्ति रही लक्षण है क्या कहते हैं अब भगवान आत्मा उसका चेतन का चेतनपणु ये उसका लक्षण है ये आत्मा का लक्षण है तथापि वो शक्ति मात्र है चेतनता आत्मा में शक्ति मात्र है। आऊ नवरा क्या निर्णय कर कितने अपने में है नहीं माटी पण ज्ञान मात्र कहा कितना अपने में है न पर में भी है ये माटी में भी पर से जान में नहीं आता माटी कहा
हमें अपने में चैतन्यता है। है चेतनता यद्यपि आत्मा का अति व्याप्ति इतने दूसरे में है नहीं, तेम आत्मा में सदा ही नहीं है ऐसा नहीं। चेतनता आत्मा में सदा है। है अति व्याप्ति अव्याप्ति लक्षण है था भी आत्मा का चेतनता लक्षण है। ये चेतनता अति व्याप्ति नहीं, पर में है नहीं, अव्याप्ति नहीं, पर्याय में है नहीं, अपना स्वभाव त्रिकाव चैतन स्वरूप भगवान। वे कहते हैं तथापि ऐसे चैतन लक्षण से जानने में आता है, ऐसा लक्षण होने पर भी शक्ति मात्र है। चैतन तो शक्ति मात्र आत्मा में है, प्रकट नहीं। समझ में आया? चैतन लक्षण तो अपना है, पर उससे वो शक्ति मात्र है, अदृश्य है। क्या कहते हैं? आत्मा में चैतन्यता शक्ति मात्र है, यह लक्षण है, खास उसका स्वरूप है। अने छते चैतन्यता शक्ति मात्र होने से उससे जानने में आत्मा नहीं आता, और ये शक्ति अदृश्य है, शक्ति जानने में नहीं आता, अदृश्य है, ध्रुव है। उसकी व्यक्ति चैतन्य शक्ति जी आत्मा का लक्षण, उसकी शक्ति की व्यक्ति, उसकी शक्ति की प्रकटता है चैतन्य स्वरूप आत्मा भगवान। कोई को करे नहीं, कोई से ले नहीं, कोई को बनाने नहीं। चैतन्य लक्षण जानना देखना, ऐसा चैतन्य लक्षण त्रिकाली, पर तो त्रिकाली तो अदृश्य शक्ति है। अरे उसकी शक्ति व्यक्ति, चैतन शक्ति की व्यक्ति। आवाज समझो तो क्या ही वहां चोपड़ा में आवे नहीं, वकील ने आवे नहीं हम। भगवान आत्मा ज्ञान मात्र क्या क्यों उसकी सिद्धि करते हैं? ज्ञान मात्र आत्मा है, पर ये क्या कि ज्ञान शक्ति मात्र है ये नहीं, त्रिकाली शक्ति मात्र है ये तो अदृश्य है। ये वो शक्ति से देखने में नहीं आता, शक्ति से ये ध्रुव शक्ति आत्मा में चैतन है उससे देखने में नहीं आता। ध्रुव से तो ध्रुव है, उसकी व्यक्ति चैतन्य शक्ति की प्रकटता दर्शन अने ज्ञान है। चैतन्य शक्ति जो भगवान आत्मा, उसकी शक्ति की व्यक्तता नाम प्रकटता बाह्य दर्शन ने ज्ञान है। समझ में आते हैं? यहाँ व्यापार वाली नवरा समझ नावल सारी जी। एक तो उत्पाद तो मिथुन भाई इसको बेमा उत्पाद उत्पाद में लेने
सत्ता त्याग लीधू से बहिरंग अंतरंग संस्कार निमित्त हो निमित्त होता है अपने से अपने काल में हो पण यहां कहते हैं कि आत्मा क्या कैसे जानने में आ रही अस्तित्व गुण आदि इससे जानने में आ रहे नहीं क्योंकि अस्तित्व गुण तो दूसरे में भी है राग ने द्वेष से जानने में आया नहीं क्योंकि राग द्वेष त्रिकाल में है नहीं रहित रहितम शक्ति उससे पणी चैतन्य शक्ति तो अदृश्य है है ये तो शक्ति मात्र अदृश्य है उसकी व्यक्ति इस चैतन्य शक्ति की प्रकटता दर्शन में ज्ञान है दो में भी ज्ञान दर्शन और ज्ञान में भी प्रकट दर्शन में ज्ञान है चैतन्य शक्ति जो आत्मा में है वो उसका लक्षण पर वो शक्ति रूप है तो व्यक्ति प्रकटता दर्शन में ज्ञान प्रकट है आई बात ये दर्शन ज्ञान में भी ज्ञान साकार है क्या कहते हैं ज्ञान पदार्थ को जानने की शक्ति वाला है दर्शन तो अस्थि इतना है बस दर्शन तो अस्थि मात्र को जानते हैं पर आ ज्ञान है आत्मा ज्ञान है ये चैतन्य शक्ति की व्यक्तता दर्शन में ज्ञान प्रकट है उसमें दर्शन से जाने में नहीं आता कि दर्शन तो अस्थि मात्र है ये ज्ञान से जाने में आता है ज्ञान साकार है साकार नाम सोने पर को जाने की ताकत है दर्शन में ताकत नहीं दर्शन में तो अस्तित्व है इतना बस ज्ञान में सोने पर साकार दो ही को जाने की शक्ति है समझ में आते भैया हाँ व्यापारी ने हम जब बोला मानिक सिंह जी तुम्हारा व्यापार माता आवे ने बापा प्रभु आत्मा ज्ञान स्वरूप अभी तक 415 गाथा में कहने में आया तो ज्ञान मात्र जी है कि दूसरा अनंत गुण है कि उससे अनंत गुण है पर कितना गुण है ये अपने में भी है पर में भी है ये कारण है पर में है तो अपने से अपने जानने में आता नहीं पर में भी है ना उसमें में तो अपनी जुदाई जानने में आता नहीं एक बात दूसरी बात उसकी पर्याय में राग द्वेष है दया दान व्रत भक्ति पण यानी त्रिकालीन अवस्था में है नहीं संसार अवस्था में है सिद्ध में है नहीं माटी पण ये कारण है पण आत्मा जानने में आता नहीं भगवान जैन मार्ग अनोखी है हमें क्या कहा शक्ति की व्यक्ति दर्शन ज्ञान पर दर्शन और ज्ञान में नहीं ज्ञान साकार है साकार का अर्थ ज्ञान सोने पर को जानने की ताकत रखता है दर्शन स्वपर नहीं जाता नहीं दर्शन तो है इतना दर्शन जानते हैं दर्शन देखते हैं आ ज्ञान तो स्वपर का भेद करके जानते हैं अरे आ एक जन होके कि तुम्हें आत्मिक बात करो सो तुम तो 15 दिन में आज हम समय सर्वांचे गया हम ये वही मले भाई 15 दिन हूँ अच्छी तो एक एक मीटी
कि गंभीर चीज है। तो यहाँ कहते हैं कि शक्ति में से व्यक्ति तो दर्शन ज्ञान में है, पर वो ज्ञान साकार है। ज्ञान अपने को और पर को जाने की समय ताकत रखते हैं, प्रगट अनुभव गोचर है। ज्ञान की पर्याय व्यक्त प्रकट है। क्या किया? आत्मा वस्तु, उसकी चैतन्य शक्ति, उसकी प्रकट अवस्था दर्शन ज्ञान भाई पर्याय पन दर्शन है। ये तो अस्सी मात्र जानने वाला है, अज्ञान है तो सफर को जाने वाला है। कि राग में नहीं, ज्ञान में हूं, मैं परिपूर्ण हूं, ऐसा ज्ञान जाने में ताकत है। आरी बात हो गए लोगों ने तेती होंदगढ़ नी बात नीचे ही नहीं बात है, क्या तो नीचे ही नहीं बात है। एम कहीं उदी है बाहर न हो, हा और घोड़ा निकले ने मैं हेठिया ने मोढ़ा सरावे बेहारे ने हेटे जाने वो हो हूँ शू कर भूले नहीं है बाद में नहीं। प्रभु अंदर देह में विराट भगवान आत्मा अस्तित्व वस्तुत्व गुण से तो पिछाड़ने में नहीं आता, क्योंकि ये पर में भी है। राग द्वेष दया दान से जानने में नहीं आता, क्योंकि ये विकार सर्व अवस्था में नहीं है। आत्मा की दरेक अवस्था में नहीं है, सीध में नहीं है, संसार में है, बाकी उससे भी जानने में नहीं आता। तीजी बात यह रही, अरे चैतन्य शक्ति यह रही, पर ये शक्ति है, ये तो शक्ति का दृश्य है, शक्ति ध्रुव है, तो उससे भी जानने में आता नहीं। अरे शक्ति की प्रगटता बे है, चैतन्य शक्ति की प्रगटता बे है, दर्शन और ज्ञान, पर प्रगट दो है, मैं दर्शन जानने में ताकत नहीं। दर्शन तो है इतना ही बस, अने ज्ञान में तो मैं ज्ञान हूँ, परिपूर्ण हूँ, आनंद हूँ, आनंद गुण हूँ, बीजा दूसरे रूप नहीं, ऐसी ज्ञान में साकार जानने की ताकत है। आगे बात है प्रभु। मार गए वो जीणो से लोगों ने आज है उन्हें करता निवृत्ति न मुड़े। प्रगट अनुभव गोचर है, क्या है क्या जानने की पर्याय तो प्रकट है, व्यक्त है, पर को जानते हैं ना, तो ये जानने नहीं प्रकट है, तो प्रकट है तो उससे आत्मा जानने में आता है। समझ में आया? प्रगट अनुभव में इसलिए प्रगट अनुभव गोचर है, ये कारण है, उसके द्वारा जो आत्मा पहचाना जा सकता है। ज्ञान जी ज्ञान में पर जनाते हैं, ये ज्ञान सबको भी जाने की ताकत रखते हैं, तेथी ते ज्ञान ही अपने को जाने की ताकत रखते हैं। दयादान विकल्प नहीं, अस्तित्व वस्तु आदि गुण नहीं, तेम चैतन्य शक्ति ये नहीं, टिकाली शक्ति ये भी नहीं, उसमें से प्रकट दर्शन ज्ञान है, उसमें भी दर्शन नहीं। समझाइए मुझे प्रभु, भाषा तो हाली से हमें कभी अभ्यास नहीं, कहीं दरकार नियम नियम जिंदगी चारी जाए थे। क्या अनंता अनंता भव कर
कीड़ी कागड़ा कूतरा भूंड नरकना भव अनंत निगूदना काय जंग एना आनंद भव कर जेमा दूसरा आ जीव है ऐसी कबूला न कर सके उसमें आनंद अनुभव किया काय जंग नसों दूसरा एम जीवे एम कौन माने उसमें आनंद अनुभव किया क्योंकि अपना आत्मा को एने अनादर किया है तो अनादर अनेक प्रकार अनादर किया है। मैं राग हूं मैं पुन हूं मैं परका करता हूं ऐसे अनादर किया है तो ऐसे स्थान में उपजिया कि ये जीव है कि नहीं उसके कबूला दूसरा कर नहीं सकते। समझ में आया तो दिया नहीं बात है शांति नहीं बात है। इसलिए ज्ञान प्रगट अनुभव में व्यक्त है प्रगट है इसलिए उसके द्वारा ही आत्मा पहचाना जा सकता है। आत्मा का अनुभव भी ज्ञान द्वारा ही होता है दूसरी कोई चीज नहीं। हा 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 क्रिया काम तो नहीं दयादान व्रत भक्ति पूजा पर प्रगट दर्शन जो है प्रगट दर्शन में ज्ञान नो पिंड आत्मा है उसमें दर्शन व्यक्त प्रगट अंश है पर दर्शन प्रगट अंश ये अपने को जानने में ताकत नहीं ये तो अस्थि रूप है बस। अब तो जानने की ज्ञान जी प्रगट दिशा है वो ये अंतर में जानने की ताकत रखते हैं क्योंकि पर को भी जानते हैं और उसमें से निकलकर अपने में जानते हैं ऐसी शक्ति ज्ञान में है। समझ में आया हा हा इसलिए यहाँ इस ज्ञान को ही आ कारण यहाँ आ ज्ञान को ही प्रदान करके ज्ञान को मुख्य करके आत्मा का तत्व कहा है। आ कारण है ज्ञान ये आत्मा का तत्व है क्यों कहा आ कारण है कहा नहीं तो आत्मा तो अनंत धर्म है अनंत गुण है अनंत 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 गुण है पर ज्ञान को ही क्यों कहा कि ज्ञान में स्व पर जाने की ताकत है। अस्तित्व वस्तुत्व में तो पर में भी है तो उससे भी अपनी भिन्नता नहीं जानने में आती और दया दान का परिणाम तो विकार है ये दरेक अवस्था में व्याप्ति नहीं सीत में नहीं है तो वो कोई आत्मा का मूल स्वभाव नहीं तो उससे भी जानने में नहीं आता। जानने में आता ही चैतन्य शक्ति एक है पर इस शक्ति तो अंदर ध्रुव रूप है ये चैतन्य शक्ति अदृश्य ध्रुव रूप है तो ध्रुव से जानने में नहीं आता। ये चैतन्य शक्ति की प्रकट व्यक्तता बाह्य दर्शन में ज्ञान है ये दो में दर्शन में ज्ञान प्रकट है तथा दर्शन देखने की चीज है फक्त है ऐसे जाने माने आत्मा है ना उसका ज्ञान लक्षण है ऐसा भेद दर्शन में है नहीं। दर्शन तो समकित नहीं दर्शन उपयोग जानना देखना जी उपयोग है ये बात या दर्शन दर्शन समकित की बात या नहीं। समझ में आया इस ज्ञान को इसलिए यहाँ 415 गाथा में इस ज्ञान को ही
जानन स्वभाव जी प्रकट है कि जी ज्ञान में पर जाने में आता है, ते ज्ञान अपना अपनी पर्याय है, तो वो पर्याय से अपना जानने में आता है, ऐसी ताकत है उसमें। क्योंकि ज्ञान साकार है, सविकल्प है, सविकल्प का अर्थ स्वपर जानने की ताकत है, दर्शन निर्विकल्प है, सविकल्प स्वपर जानने की ताकत दर्शन में नहीं, असंकित की बात नहीं, दर्शन उपयोग ये प्रकट दर्शन व उपयोग उसमें जानने की शक्ति नहीं। जानने की शक्ति, जानने की प्रकट ज्ञान, तो ये ज्ञान ही आत्मा, ऐसा 415 गाथा में कह कहने में आया है। प्रभु तो ज्ञान स्वरूप है, तेरी चीज दूसरी में है नहीं, दूसरी चीज तेरे में है नहीं, तेरी पर्याय में राग आदि है ये भी तेरे में है नहीं, तेरे में चैतन्य शक्ति है पर ये तो ध्रुव रूप है। उसकी प्रगट शक्ति दर्शन ज्ञान है, पर दर्शन ज्ञान में दर्शन साकार नहीं, साकार नाम स्वने परने जाने की ताकत नहीं, दर्शन है बस इतना, ज्ञान में ही ताकत है। सब राज है, मैं आत्मा हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। ये ज्ञान में ही, एक जाने में ताकत है, ये तो एकांत हो गया। ज्ञान इस जाने आत्मा, दूसरी कोई चीज से आत्मा जाने में नहीं आता। दया दान व्रत भक्ति पूजा काम क्रोध, भगवान की भक्ति ने मोटा मंदिरों बनावे करोड़ों ना, तो इसकी आत्मा जानने में आ जाता है, ऐसा है नहीं, समझ में आया? केटलू स्पष्ट कर, एक ज्ञान जी जानने में आता है, ज्ञान में जो वर्तमान बड़े आत्मा तुम नहीं जानते हो, पर ज्ञान में आ चीज आ चीज आ चीज आ चीज ऐसे जैनी सत्ता में पर जानने में आता है। ये ज्ञान सत्ता स्वकीय है, तो सको जाने की ताकत है। अरे आवो सांभळे कोण वा, तो हे आम करो, व्रत करो, तप करो, तपा करो, मंदिर करो, मोटा मेला मनाओ, शेठिया ने गई सर छाड़ा वे ना। आए तो प्रभु अग्रेसर ज्ञान है के जे ज्ञान प्रगट पर्याय में है, ये ज्ञान बोलिया भाई लीधु से प्रवचन सार बोले उत्पाद भाई ध्रुव लीधा था ने त्रणे छता त्या बाई ने अंतर संस्कार लीधा से एम के निमित्त होता है, पर से होता नहीं कुछ, पर वस्तु होती है। 102 गाथा प्रवचन सार, अपने में ज्ञान से आत्मा जाने, चाहे दूसरी चीज भले हो, विकल्प हो, गुरु हो, देव हो, शास्त्र हो, पर उससे जानने में आता नहीं। ये तो है, ये है, जानने में आने में तो ज्ञान ज आत्मा को जानने में आता है। पर क्या रहे है? ये ज्ञान को सन्मुख करे क्या रहे? तुम्हारा पैसा पैसा रो एक पूजिए मैं सांभ ने पूजिया आ करो ना करो ना करो ना करो
धर्मशाला बनाई थी एक तरह लाखनी में मंदिर बांधी आपने बोला होगा कि मंदिर बांधे गजब वास है प्रभु आटली लीटी में छोड़ी में कितना भरा है भागशाली रतो तो खाने पड़े प्रभु तुम क्या प्रकार से जानने में आ सकते हैं तो प्रभु कहते हैं कि तुम तेरी ज्ञान की प्रगट पर्याय है दर्शन भी प्रगट पर्याय है पर दर्शन से जानने में तुम नहीं आता ज्ञान है उससे तुम जानने में आता है आ तो जे ज्ञान की पर्याय पर तब झुकती है अनादि से ये पर्याय को सन्मुख झुक दे समझ में आते हैं बात सूक्ष्म है पर बात सादी भाषा में है अरे ज्ञान को ही मुख्य करके जो है तो अनंत धर्म आत्मा में अनंत गुण है ज्ञान दर्शन चारित्र जीवतर अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेत्व कर्ता कर्म कर्म संप्रदान प्रभुत्व परमेश्वर तो जीवत चीति शक्ति दर्शी ज्ञान सुख वीर्य प्रभुत विभुत सर्वदर्श सर्वज्ञ स्वच्छत प्रकाश होता संतोष विकास ऐसी अनंती शक्ति आत्मा में समझ में आया शक्ति कहो के गुण कहो गुण कहो के स्वभाव कहो के उसमें नित्य रहने वाली ताकत कहो अरे मूल चीज ऊपर आया नहीं कभी बाहर में रखरपट्टी सौराष्ट्र में किया आए तो एक सिद्धांत बताया कि 415 गाथा में यहाँ हो चाहे ज्ञान आत्मा ज्ञान आत्मा ज्ञान आत्मा एम कहा कारण क्या उसका कारण आ कि ये ज्ञान से जानने में आता है अस्तित्व से जानने में आता नहीं राग से जानने में आता नहीं चैतन शक्ति से गुण ध्रुव है उससे जानने में आता नहीं प्रगट पर्याय ज्ञान दर्शन है पर दर्शन में जानने में आता नहीं क्योंकि उसकी साकार नाम सफर प्रकाशक शक्ति उसकी नहीं प्रदूषण नो दिवस है दूसरा आवी चीज भगवान बिराजते बधी आत्मा में दरेक भगवान आत्मा में बिराजते हैं तो उसको जानने में उपाय क्या ये लेगा उपाय ने उपाय बेपन लेगा एक समय के पर्याय में ज्ञान शक्ति तो टिकाव है उसकी प्रगति एक समय की पर्याय में उपाय भी मोक्ष का मार्ग भी एक ज्ञान की पर्याय है और पूर्ण ज्ञान की पर्याय ये भी उपेय उसका फल है समझ में आया आई जीणी बात आओ उपदेश इसलिए यहां इस ज्ञान को ही ये प्रगट ज्ञान है यहां जानते हैं आप पर को जानते कौन ही पर को नहीं जानते हैं अपनी सत्ता में पर संबंधी का ज्ञान है ये उसको जानते हैं क्या किया अपने ज्ञान की पर्याय की जो सत्ता है प्रगट एम आ जानते ये नहीं क्योंकि वो तो पर है
ये पण ये संबंधी अपना ज्ञान अपने को जानते हैं। हा 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 तेथी इस ज्ञान को ही मुख्य करके प्रदान करके आत्मा का तत्व कहा है। लो हा बाजू, यदि ऐसा नहीं समझना चाहिए है यहां ज्ञान आत्मा कहा तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि आत्मा को ज्ञान मात्र तत्व वाला कहा है, इसने इतना ही परमार्थ है। आत्मा एक ज्ञान स्वरूप है, दूसरा आनंद गुण नहीं, ऐसा नहीं समझना। आ समझ में आया? यहां ऐसा नहीं समझना चाहिए कि आत्मा को ज्ञान मात्र तत्व वाला कहा, इसने इतना ही परमार्थ है और अन्य धर्म मिथ्या है। आत्मा में दूसरा आनंद, शांति, स्वस्थता, प्रभुता, ईश्वरता, ऐसा आनंद गुण है। हा हा, तो ज्ञान मात्र आत्मा कहने से एकांत न लेना कि एक ज्ञान स्वरूप ही है, आनंद धर्म है। उसका रहने वाला उसमें राजवेश नहीं, अस्तित्व वस्तुत्व आदि तत्रूप अतत्व, तत्रूप है अतत्रूप नहीं, परूप नहीं, ऐसा अनंत अनंत गुण उसमें है। आत्मा को ज्ञान मात्र तत्व वाला कहा, इसने इतना ही परमार्थ है और अन्य धर्म मिथ्या है। आत्मा में अंधेरा, दर्शन, चारित्र, शांति, स्वस्थता, प्रभुता, परमेश्वरता निर्भरी है। ये मिथ्या है, ये आत्मा में नहीं है, ऐसा सर्वथा एकांत ग्रहण करने से, ऐसा सर्वथा एक पक्ष ग्रहण करने से तो मिथ्या दृष्टिपण आ जाता है। भाषा तो हदीस है प्रभु, तुम्हें हाद आए अंदर अपन। कोई भी अंदर भी दरकार क्रिया नहीं, आ धूड़ ने आदि क्या बैरी ने छोकरा ना पैसा मकान हिया मारे के हजीरा, हजीरा इतने आ मोटा मकान है ना, मैं हाड़ा 3 करोड़ नु एक मकान, हाड़ा 3 करोड़ नु। हमें अफ्रीका में गया था ना, जी मकान में उतरा थी, एक मकान 15 लाख नु, करोड़पति एवं करोड़पति अपना में 8 घर में 8 है, 8 घर में मुख्य थे, नैरोबी अफ्रीका 8 तो करोड़पति है। एक करोड़पति नहीं है, ये वितन नहीं, खानगी मैंने कहा था, जेठा भाई है ना, सिंह नाथ है ये जेठा भाई, खानगी मारी पास आके कोई ऐसी बात किया था कि जेठा भाई ये 90 लाख का व्यापार किया एक वर्ष में, 90 लाख का तो 90 लाख पैदा हुआ है, ऐसा कहा कोई, 90 लाख का व्यापार में 90 लाख पैदा हुआ, बात हती होती। पर हम बीजा लोग को विरोध करे ने, श्वेतांबर लोग आदि विरोध करे के साथ दिगंबर लोग आटला बदा पैसा वाला ये तो कभी कया नहीं है, इसकी पास कितना है ये तो कया नहीं, ये तो मेरी पास आया महाराज, आ इतना सभा में न कहना।
पर मेरी पास 1 करोड़ का तो मकान है और 5 करोड़ रुपया है, 6 करोड़ रुपया है सर। बहुत सारा मैं सामने ये सब है सिंह का अरे धन्यवाद। 1 करोड़ रुपया ना था तो मकान मेरे पास है और 5 करोड़ रुपया है और बाहर कहना नहीं द्वेष करेगा सीताम लोगों जैसा भाई हूँ भतरीजो ने बोलो नंदन में जोर था हम नंदन में गयो था वाते था बहु खुशी बतावे आईन वांचन करी ने आ हा हा आते शू चीज है कभी जिंदगी में सुनी नहीं कभी वो दरकार किया नहीं ऐसी आती है अरे जन्म ने सफल करवाना पन था अके फल करवाना रस्ता तो अनंत लिया। हाँ कहते हैं कि आत्मा को ज्ञान मात्र कहा तो ये किला ज्ञान मात्र ऐसा न समझना, उसमें अनंत धर्म है। धर्म इतने गुण अनंत शक्ति है, अन्य धर्म मिथ्या है, ये आत्मा में नहीं है ऐसा सर्वथा एकांत ग्रहण करने से मिथ्या दृष्टि बना जाता है, ये तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है जैन रहते नहीं। हा हा क्या किया ही? कि ज्ञान मात्र आत्मा है ऐसा कहा तो ज्ञान मात्र एक ही ज्ञान मात्र है अने दूसरा उसमें आनंद आनंद गुण है ये नहीं है ऐसा नहीं है। ये तो प्रधान ज्ञान मुख्य बात क्या है कि ये जानने की सफलता का तरक्ती है सफर जाने की शक्ति सफर शक्ति हमारी। हाँ हाँ नई शक्ति सफर शक्ति जानने की शक्ति सफर में मेरे ज्ञान में है। मैं मेरा स्वज्ञेय को भी जानूं और परज्ञेय को जानूं ये भी व्यवहार है। परज्ञेय का जानने का स्वभाव मेरा है मेरा मैं है ये मेरे लिए है। मैं मेरे को जानूं मैं पर को जानूं ये ज्ञान मेरे में मेरे से मेरे कारण से है। हा 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 हमारा रुपया आज हाँ जी हाँ भी दोनों ही पूजिया। हा हा अरे रे आओ मनुष्य बनू चालू जाए थे एम आई बात त्रण लोकना आप तीर्थंकर देव परमेश्वर अनंत तीर्थंकरो नो आवाज छे अनंत केवली परमात्माओं आ दीव ध्वनि छे। एने समझने माटे प्रभु पात्रता चाहिए योग्यता चाहिए गरज चाहिए रस चाहिए। अपने सिवाय पर की चीज में रस घट जाना चाहिए। विज्ञान अद्वैतवादी बौद्ध बौद्ध है ना ये एक ज आत्मा मानते सर्वव्यापक विज्ञान अद्वैतवादी बौद्ध मत है। चीन में है आखो चीन बौद्ध मत है अत्यारे चीन देश है ना सारा बौद्ध मत है दूसरे बौद्ध मत बहुत है अत्यारे तो ये विज्ञान अद्वैतवादी एक नो विज्ञान ज है आखी दुनिया में दूसरी कोई चीज है ही नहीं है मानते है। तो अज्ञान आत्मा में कहा तो पी बहुत जैसा न हो जाए तेरे कि विज्ञान एक ही आत्मा है ना दूसरा धर्म नहीं आत्मा में धर्म नाम गुण। विज्ञान अद्वैतवादी बौद्धों का और वेदांतियों का मत आ जाता है। वेदांत है ना एक ज आत्मा मान सर्वव्यापक वेदांत बहुत है सुधरे लोगों तो वेदांत में बातों कर भी एटले कई बस सर एक आत्मा सब है सर्व्यापक है।
विज्ञान अद्वैतवादी बौद्ध एक ही आत्मविज्ञान को मानते हैं, अने बौद्ध मतलब वेदांत एक ही आत्मा को मानते हैं। अब विज्ञान को मानते एकला, वो एकला आत्मा को मानते हैं, दूसरा कहीं नहीं। ऐसी बात यहां नहीं, यहां तो ज्ञान मात्र आत्मा कहा, पर उसमें अनधर्म आग जाता है। कैसे आ जाता है कहते हैं, इसलिए ऐसा एकांत बाधा सहित है। ऐसे एकांत भी प्राय से हैं, कोई मुनि व्रत भी पाले है, दिगंबर मुनि भी हो जाए और आत्मा का ज्ञान मात्र का ध्यान भी करे। ज्ञान है आत्मा, एकला ज्ञान मात्र का ध्यान करे तो भी मिथ्यात नहीं प्रकट रख सकता, मिथ्यात्म का नाश नहीं होता। अनंत संसार का कारण मिथ्यात्म, मुनिव्रत भी अनंत बेर लिया, शास्त्र ग्यारंग अनंत बेर पजा, पर मिथ्यात क्या है उसकी खबर किया नहीं उसने। खबर किया नहीं तो पे मिथ्या टाले कहा बेटा। मिथ्या नहीं कर सकता, मंद कषाय के कारण भले ही स्वर्ग प्राप्त हो जाए, कदाचित आग की मन प्राप्त करके साधु हो जाए स्वर्ग में जाए, भले उसमें क्या आया, चार गति है तो रखने की है, देवलोक में जाएगा यहाँ की भाभी त्रियंज मनुष्य होकर ओली नरक में नागी ढोर हो जाएगा। अनंत अवतार किया है, किंतु मोक्ष का साधन तो नहीं होता। ज्ञान एकांत माने कि ज्ञान ज आत्मा है, अनंत गुण नहीं है, ऐसे माने तो उसको मोक्ष नहीं होता। भले ही साधु हो जाए, भले पंच महावर पावे, पर मिथ्या दृष्टि पड़ा नहीं चलता। इसलिए सात बात है, अपेक्षा अपेक्षा ज्ञान मात्र कहा, एक अपेक्षा से कहा, क्योंकि जाने की शक्ति रखते हैं सफर को, अनंत अनंत जाने तो भी उसमें राग नहीं, ऐसा ज्ञान का स्वभाव है। ये कारण से साधवाद नाम साप, अपेक्षा नाम वाद नाम कथन, अपेक्षा थी कथन है, यथा यथार्थ समझना चाहिए। छिल्लो श्लोक, छिल्ला श्लोक है, सर्व विशुद्ध ज्ञान रूप सदा चिदानंद करता, न भोक्ता न परद्रव्य भाव को, मूर्त अमूर्त ज्ञान द्रव लोक नहीं, ते भी ज्ञान रूप नहीं नारे न अभाव को, यह ज्ञानी ज्ञानी जीव अपको आपको भले सदीव भजे, आपको भजे सदीव ज्ञान रूप सुख रूप तुप आनंद लगाम को, कर्म न कर्म फल चेतना को दूरी टारी, ज्ञान चेतना अभ्यास करे शुद्ध भाव को। आखा समय सार का सार न क्या, राष्ट्रीय पंद्रह श्लोक, हाँ तो अठारवा वार तो व्याख्यान बन चाहिए है, हाँ तो उन्नीसवीं वार करते हैं, वही पूरा परिस्थित बाकी है। सारी सभा में हजार बार अक्षर अक्षर का अर्थ करके वाचा है, उन्नीस में बार मांगते, उन्नीस बार भी आए हुए आया, परिशिष बाकी है। 45 वर्ष यहाँ हुआ जंगल में, 45 वर्ष आया था, 45 वर्ष की उम्र, एक आनु चलते हैं शरीर को, नेहू और एक धूड़ धूड़ शरीर धूड़ को एकाणु चलते हैं, भगवान तो आदि अनंत है। आत्मा तो अनादि अनंत है,
उसके कोई आदि है या ना अंत है बोलते नहीं। सर्व विशुद्ध ज्ञान रूप सदा चिदानंद कैसा है प्रभु आत्मा दरेक का सर्व विशुद्ध ज्ञान सर्व विशुद्ध ज्ञान रूप है अंदर निर्मलानंद प्रभु है अंदर सदा चिदानंद त्रिकाल चिदानंद चिदनाम ज्ञान ज्ञानंद त्रिकाल ज्ञान में आनंद रूप है प्रभु दो मुख लिया ऐसा तो अनंत है चिदानंद करता न भोगता ऐसे भगवान आत्मा परद्रव को करता है नहीं परद्रव को भोगता है नहीं। ये पैसा को लावे ने वाप रहे ये आत्मा में है नहीं ये परद्रव्य है परद्रव्य को न करता लक्ष्मी में रोकते नहीं कमाते नहीं रखते नहीं ब्याज उपजाते नहीं ये आत्मा में है नहीं। ये आत्मा चिदानंद ज्ञान ने आनंद स्वरूप करता न भोगता अपने सिवाय राग दया दान का भी करता नहीं और उसका भोगता भी नहीं। ये अपनी चीज से कायम चीज में से नहीं है ये चीज का ही करता भोगता नहीं पर की तो भिन्नी है शरीर वाणी मन तो पर तो अपने में होने वाला दयादान राजेश उसका भी करता न भोगता नहीं। आखिरी बात बहु पचावी मुश्किल पड़े बापू अनाज विचार से गिना पाए लो मेसू खाता है तो पचावा मुश्किल पड़ते है कि नहीं। मेसू मेसू क्या कहते हैं मिसुर कहते हैं चार शेर घी एक शेर आटा और चार शेर घी चना का लोट चना का आटा चार शेर घी पाए तो उसको मिसुर कहते हैं और गेहूं का लोट आटा एक शेर और चार शेर घी पाकर उनको शक्कर पारा कहते हैं। दो चीजें हैं सब देखिए सब क्रिया है सब की बात सब जाना है। एकाव में एकासी में हमारा तमाशा गुजड़े में था एकासी तो सारा संघ शक्कर पारा बनाया था एकासी कितना वर्ष हुआ जुना जमाना शक्कर पारा एक शेर आटा गेहूं का और चार शेर लोट बोला चार शेर घी और शक्कर हाँ हाँ शक्कर पारा कहते हैं મારી દીક્ષામાં 19 રૂપિયા રમણ ઘી 70 માં દીક્ષા હોય 19 રૂપિયાના ભેંસનું સાચું સારું ઘી દીક્ષાનું નક્કી થયું બોડા મોટા ભાઈ દબાલિયા ઓર 3.5 રૂપિયાની શેર મણ હાકર પતરીની હો પતરીની 3.5 રૂપિયાની મણ આ મારી દીક્ષા મોટી દીક્ષા થઈ બડે ભાઈ ઘણી આપી હતી ઘણે સમ જમન ક્યાં ખેરત ક્યાં થા ક્યાં જમાન આવે ને ભાઈ ભાઈ એ જમાન તો આ દીક્ષા હોય ને દીક્ષા 66 વર્ષ દીક્ષા ને ઘરે દીક્ષા આપી હતી મારે ભાઈ ઘરના ખર્ચ ક્યાં તે વખતે 1800 રૂપિયા ખર્ચા હતા અત્યારે 30 ગુણા થાય હા કહેતે હૈ
चिदानंद प्रभु तो करता न भोगता, ये शरीर को नहीं करता, वाणी का नहीं करता, स्त्री पुत्र और पैसा ना करता नहीं भोगता नहीं, अरे राग ने द्वेष का करता ने भोगता नहीं, आहा ऐसा प्रभु चिदानंद तेरा स्वभाव है, करता न भोगता न परद्रव्य भाव को, परद्रव्य अने परद्रव्य ना भाव बे, परद्रव्य का भी करता भोगता नहीं, अने परद्रव्य से निमित्त से पुण्य दया दान भाव हुआ ये भाई भाव ये उसका भी करता भोगता नहीं। हा 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 जिंदगी चाली जाए छे, आवो मनुष्य भव मिलो, आत्मा अनादि अनंत है, ये तो अनादि अनंत है, देह छूट जाएगा तो कहीं तो जाएगा, अवतार तो लेगा, आ देह छूट जाएगा तो यानी सत्ता तो अनादि अनंत है, पर न करता न भोगता न परद्रव्य भाव को, परद्रव्य का भी करता नहीं, गजब बात है। पैसा स्त्री पुत्र मकान उसका आत्मा करता नहीं और उसका भोगता भी नहीं, हा 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 ये तो चिदानंद प्रभु है, ज्ञान ने आनंद स्वरूप प्रभु है अंदर, हा 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 ये परद्रव्य का करता भोगता नहीं, परद्रव्य का भाव राग ने द्वेष पुण्य ने पाप उसका भी आत्मा करता भोगता नहीं प्रभु, आहा अरे प्रभु ते कभी निर्णय नहीं किया, जिंदगी चाली जाई थे, आहा आहा एक लीटी सारा सार सारा शास्त्र की सार कह दिया, आहा मूर्त मूर्त ये अनद्रव्य लोक माही मूर्ति या परमाणु आदि शरीर अमूर्त धर्मास्ती आदि धर्मास्ती धर्मास्ती आदि हाँ अनेरा द्रव्य लोक माही ते भी ज्ञान रूप नहीं ते आत्मा नहीं, हा 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 चीज ज्ञान रूप नहीं, न्यारे प्रभु तेरे से न्यारे है, न्यारे होने पर भी न भाव को, हा न्यारे होने भी नहीं है ऐसा नहीं पर दर्द है, हा 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 है न्यारे न भाव को, प्रभु अंदर चैतन्य से न्यारे शरीर वाणी मन स्त्री कुटुंब पर न भाव को है नहीं ऐसा नहीं वस्तु है बिन, हा 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 अरे हा बोलो मैं धूल ना धानी में आखी जिंदगी मजूरी करे मोटा मजूर मजूर तो सवार आठ थी बार सुधी चार कलाक काम करे बपोरे बे थी छ आ मजूर तो सवार थी उठे ते हा जोधी है 9 वागे कीधु अमारे पारिज में अमारे साधु आए गाम में थानुकाशी थानुकाशी था ने मैं पहला अमारा पिता के हूँ तो दुकान छोड़ी दू एन पास जाऊँ आर पानी बनू पर बीजा रात में 8 वागे नवरा थाय नहीं तो 10 वागे नवरा पड़ो वे दिन साधु गाम में 8 वागे नामू बामू लखी पी जाए पेला साधु क्या रातड़िया आया दिवसे तो हामू जो नहीं आए कहते हैं कि मूर्त ने अमूर्त जी आनंद लोक माई ते भी एक ज्ञान रूप नहीं एक ज्ञान रूप नहीं परवाणु शरीर वाणी ज्ञान रूप नहीं सत्य न्यारे खरा सत्ता न भाव ये चीज नहीं है नहीं एक पर चीज है पर अपने से न्यारी है भिन्न है विशेष